हाय दोस्तों, आज सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर इंडियन एक्सचेंजेस बंद हो जाते हैं, हाउ डू वी सेफगार्ड आवर बिटकॉइंस? हम अपने बिटकॉइंस को कहां पे सेफगार्ड करें, किस वॉलेट में स्टोर करें? बिटकॉइंस को आप डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स के वॉलेट्स में आप स्टोर कर सकते हैं. एक्सचेंज वॉलेट इज वन ऑफ द ऑप्शंस, चाहे वो इंडिया का एक्सचेंज वॉलेट हो या इंडिया से बाहर के एक्सचेंज वॉलेट हो. एक्सचेंज वॉलेट्स के अलावा आप डेस्कटॉप वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट और पेपर वॉलेट्स में भी बिटकॉइन को स्टोर कर सकते हैं. आज मैं आपसे बात करूंगा केवल और केवल एक ऐसे उपाय की जो ना केवल सबसे सस्ता है बट सबसे वन ऑफ द सेफेस्ट एंड सिक्योर ऑप्शंस भी माना जाता है. यस, आज मैं आपसे बात करूंगा पेपर वॉलेट की. पेपर वॉलेट को बनाने के लिए आप bitaddress.org वेबसाइट पे जा सकते हैं. आगे पूरी एक्सप्लेनर वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हाउ टू क्रिएट पेपर वॉलेट एंड हाउ टू स्टोर योर बिटकॉइंस इन द पेपर वॉलेट. यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा, जब आप अपना पेपर वॉलेट क्रिएट करेंगे तब आपको एक पब्लिक वॉलेट एड्रेस मिलेगा और एक आपको प्राइवेट की मिलेगी. ये प्राइवेट की आप किसी के भी साथ शेयर ना करें. आई रिपीट, पेपर वॉलेट की प्राइवेट की आप किसी के साथ शेयर ना करें और अपने बिटकॉइंस को आप पेपर वॉलेट में बिना किसी खर्चे के सिक्योर कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं हाउ टू क्रिएट बिटकॉइन पेपर वॉलेट. पेपर वॉलेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लॉगिन करें bit.org. पेपर वॉलेट क्रिएट करते वक्त सबसे खास ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप अपना पेपर वॉलेट क्रिएट कर रहे हो आपका इंटरनेट स्विच ऑफ, आप अपने वाईफाई को डिस्कनेक्ट. आप ये भी कर सकते हैं कि इस HTML फाइल को आप अपने डेस्कटॉप में सेव कर लें और फिर उसे फर्दर रन करें. पेपर वॉलेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अपने कर्सर को आप रैंडमली मूव करिए. आप देख रहे हैं मैं जैसे जैसे माउस को मूव कर रहा हूँ ये परसेंटेज इंक्रीज होती जा रही है. ऐसा करने से रैंडम सेट ऑफ नंबर्स क्रिएट. बाय डिफॉल्ट बिट एड्रेस आपको सिंगल सेट ऑफ वॉलेट एड्रेस और पब्लिक की प्रोवाइड करता है. अगर आप मल्टीपल वॉलेट्स चाहते हैं तो यहाँ पे आप पेपर वॉलेट करें. जितने भी आपको वॉलेट्स, अगर आपको 5 वॉलेट्स चाहिए तो आप 5 नंबर फिल करें तो आपके 5 वॉलेट. इनका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. इसमें प्रिंट आउट निकालते वक्त आप ये ध्यान दें आप ओपन नेटवर्क के थ्रू प्रिंट आउट ना निकालें. ये आपके वॉलेट की पब्लिक की है और ये आपके वॉलेट की प्राइवेट. किसी से भी बिटकॉइन लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आपको ये वॉलेट एड्रेस मेंशन करना. वॉलेट एड्रेस एक पब्लिक की से ड्राइव. अगर आपको केवल एक वॉलेट चाहिए तो आप यहाँ पे वन टिक करें, आप जनरेट पे टिक करें, आपका ये एक वॉलेट आपका जनरेट हो गया. अगर आप यहाँ पे हाइड आर्ट टिक करेंगे तो जो बैकग्राउंड में आप ये आर्ट देख ये हाइड हो जाएगी. सिंपल सा वॉलेट इजीली रीडेबल है, QR कोड इजीली स्कैनेबल है. अब मेरे को किसी से भी अगर बिटकॉइन रिसीव करने हैं तो मेरे को बस ये वॉलेट एड्रेस उसे मेंशन करना है. जिस भी पार्टी को मुझे बिटकॉइन भेजने हैं वो इस वॉलेट एड्रेस पे मेरे को बिटकॉइन भेज सकता है. ये प्राइवेट की अपने पास सिक्योर रखनी होती है. अगर आपको किसी को भी इस वॉलेट से अपने बिटकॉइन किसी को भेजने हैं तो आपको इस प्राइवेट की जरूरत पड़ेगी. इसका सबसे अच्छा तरीका यह है, या तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सेव कर लें, प्योरली कहीं स्टोर कर लें, नहीं तो आप इसे पेन पेपर पर नोट डाउन कर लें. क्योंकि ये पेपर पर प्रिंटेबल होती है कीज, इसलिए इसे पेपर वॉलेट बोला जाता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये प्राइवेट की और फर्दर सिक्योर हो जाए आपको PIP 38 करना है. ऐसा करने से आप अपनी प्राइवेट की को एक पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पासवर्ड में बिटकॉइन लिख के जनरेट करता हूं. मैंने ये पासवर्ड में जो बिटकॉइन फिल किया है इससे मेरी प्राइवेट की बिटकॉइन पासवर्ड से फर्दर प्रोटेक्ट हो जाएगी. अब मेरे को किसी को भी अगर बिटकॉइन ट्रांसफर करने हो, मेरे को इस प्राइवेट की को अनलॉक करने के लिए बिटकॉइन एस पासफ्रेज की जरूरत पड़ेगी. बेहतर यह है कि यह पासफ्रेज आप मेमोरी में स्टोर रखें अपने पास, किसी के साथ ना ही लिखें और ना
किसी के साथ शेयर करें. थैंक यू एंड दैट. हाय फ्रेंड्स, अगर आप बिटकॉइन वॉलेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, हाउ टू स्टोर योर बिटकॉइंस एंड सेफगार्ड योर बिटकॉइंस, डिफरेंट वॉलेट फॉर्मेट्स में अपने बिटकॉइंस को कैसे स्टोर करें और सेफगार्ड करें, यू कैन रेफर टू माय बुक बिटकॉइन बेसिक्स लॉजिक एंड मैजिक ऑफ डिजिटल गोल्ड. इसमें डिफरेंट वॉलेट फॉर्मेट्स का डिस्कशन किया गया है. एंड आज इस वीडियो में विद इन फर्स्ट 3 days जितने भी कमेंट्स आएंगे, वी गोना गिव दिस बुक एज अ गिव अवे. हाय फ्रेंड्स, हमने देखा हाउ टू क्रिएट अ पेपर वॉलेट. आप इस पेपर वॉलेट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट की को नोट डाउन कर सकते हैं एक पीस ऑफ पेपर पे और सेफली इसे सिक्योर कर सकते हैं. जिन लोगों को सिक्योरिटी कंसर्न्स लगते हैं वो ही पासफ्रेज एनेबल पेपर वॉलेट क्रिएट करें, नहीं तो आप एक सिंपल और प्लेन पेपर वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं. टू ट्रांसफर बिटकॉइंस फ्रॉम एक्सचेंज, आप अपने एक्सचेंज पे जाएं, विड्रॉल सेक्शन पे क्लिक करें और वहां पे अपने पेपर वॉलेट के पब्लिक एड्रेस को टाइप इन करें और अपने बिटकॉइन एक्सचेंज से सारे बिटकॉइंस आप अपने पेपर वॉलेट में सिक्योरली सेफगार्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाउ टू ट्रांसफर और हाउ टू विड्रॉ योर बिटकॉइंस फ्रॉम अ प्लेन पेपर वॉलेट. एक प्लेन पेपर वॉलेट से बिटकॉइंस को कैसे ट्रांसफर करें. थैंक यू.